क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने फ्रेंड जीएफ बीएफ के साथ हो और घर से कॉल आए कहाँ पर हो तो आप झूठ बोल देते होंगे, मैं तो कॉलेज में हूँ, रास्ते में हूँ, मार्केट में हूँ। अगर आपसे व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन मांग ली तो आपका वो झूठ एक मिनट में पकड़ा जाएगा। तो जब झूठ बोलना ही है तो पहले से तैयारी करके रखे ना कि वो झूठ रियली लगे। जब वो आपसे लाइव लोकेशन मांगे ना तो आप वो लोकेशन सेट करके दे सकते हो जो लोकेशन आपने उसे बोली। जैसे कि आपने झूठ बोल गया मैं तो कॉलेज में हूँ, तो आप उसे अपनी कॉलेज की लाइव लोकेशन बना के दे सकते हो। जब आपके वो भेजे गए लाइव लोकेशन को ट्रैक करेगा तो उसको आपकी कॉलेज की लाइव लोकेशन ही शो होगी। इसी प्रकार जो लोकेशन भी आप अपनी लाइव लोकेशन बनाना चाहते हैं वो लोकेशन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो दूसरे शहर की हो, कोई कॉलेज हो, कोई रास्ता हो, कोई शॉप हो, कोई मार्केट हो, एनीथिंग कोई भी लोकेशन हो, आप उसे अपनी लाइव लोकेशन में बदल सकते हैं। तो ये कैसे होगा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है फेक जीपीएस, तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो आपको फेक जीपीएस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। आप इस एप्लीकेशन का यहाँ पे लोगो देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद अभी आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अबाउट फोन की सेटिंग ओपन करनी है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में बिल्ड नंबर पर 7 पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास MI का मोबाइल है तो आपके मोबाइल में वहाँ पे MIUI वर्जन होगा, आपको वहाँ पे 7 पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल में डेवलपर सेटिंग यहाँ पे अनेबल हो जाएगी। किसी किसी मोबाइल में डेवलपर सेटिंग यहाँ पे बार की तरफ ही मिल जाती है, किसी किसी मोबाइल में एडिशनल सेटिंग के अंदर मिलती है और किसी मोबाइल में सिस्टम सेटिंग के अंदर मिलती है। तो आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके मोबाइल में डेवलपर सेटिंग कहाँ पर है। तो मेरे मोबाइल में यहाँ पे एडिशनल सेटिंग के अंदर डेवलपर की सेटिंग मिलेगी, तो मैं यहाँ पे एडिशनल सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे डेवलपर सेटिंग को ओपन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेवलपर सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट मोक लोकेशन सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फेक जीपीएस एप्लीकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन अब यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे अपनी करंट रियल लोकेशन दिखाना चाहूंगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी यहाँ पे रियल लोकेशन यहाँ पे करनाल की शो कर रही है, ठीक है। किसी भी लोकेशन को अपनी लाइफ लोकेशन बनाने के लिए हम यूज करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोड का। जिस प्रकार पेमेंट के लिए QR कोड होता है उसी प्रकार एड्रेस के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोड होता है। तो अगर आपको किसी को एड्रेस देना पड़ जाए तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तभी जाके वो पूरा एड्रेस वहाँ पे कम्प्लीट होता है। जैसे कि पिन कोड, फ्लैट, हाउस नंबर, बिल्डिंग, कंपनी, अपार्टमेंट, एरिया, सेक्टर, विलेज, लैंडमार्क, स्टेट, सिटी, टाउन, ये सभी इंफॉर्मेशन जब आप देंगे तब जाके एक पूरा एड्रेस वहां पे कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आपको उस लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोड पता है तब आपको ये सब इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, बस इन दो कोड की हेल्प से किसी भी लोकेशन पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। इन्हीं कोड की हेल्प से हम किसी भी लोकेशन को अपनी लाइव लोकेशन बनाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे गूगल मैप का। गूगल मैप के जरिए हम किसी भी लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे उस लोकेशन को सर्च करना है जिस लोकेशन को आप अपनी लाइव लोकेशन यहाँ पे बनाना चाहते हैं। अभी आपको उस लोकेशन को यहाँ पे जूम इन कर लेना है। जितना जूम हो सकता है उतना जूम अभी आपको यहाँ पे कर लेना है। जूम होने के बाद अभी आपको यहाँ पे रेड डॉट पर यहाँ पे क्लिक करके रखना है। तो जो भी लोकेशन आपने यहाँ पे सर्च किया है वो लोकेशन अगर यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपके ये कोड यहाँ पे परफेक्ट तरीके से जनरेट हो चुकी है। लेकिन अगर वो लोकेशन यहाँ पे नहीं आई है बल्कि कोई दूसरी लोकेशन आ रही है, मतलब कि आपसे यहाँ पे कहीं दूसरी जगह क्लिक हो गया जिस कारण यहाँ पे कोड यहाँ पे परफेक्ट तरीके से जनरेट नहीं हुआ है। तो परफेक्ट तरीके से कोड तभी जनरेट होंगे जब आपने जो लोकेशन आपने सर्च किया वो लोकेशन यहाँ पे नीचे तरफ आनी चाहिए या फिर यहाँ पे ड्रॉप्ड पॉइंट लिखा हुआ आना चाहिए। अगर इन दो में से कोई एक चीज यहाँ पे लिखी हुई आ रही है तो आपके यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोड यहाँ पे परफेक्ट तरीके से जनरेट हो चुके हैं। या तो आप इन कोड को देख देख के कहीं पर लिख लीजिए या फिर आपको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे गूगल लेंस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। गूगल लेंस में आपको उसी स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर लेना है। उस स्क्रीनशॉट में जितने भी टेस्ट होंगे वो सब यहाँ पे स्कैन हो जाएंगे। इसके बाद आपको उन कोड को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो मैंने इन कोड को यहाँ पे व्हाट्सएप में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो कोड है, बीच में यहाँ पे कोमा लगा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे इस कोमे को हटा देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो कोड है, ऊपर वाला लैटिट्यूड कोड है, नीचे वाला लॉन्गिट्यूड कोड है, ठीक है। तो अभी आपको उसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो कोड एंटर करने का ऑप्शन आ चुका है। फर्स्ट वाले कोड में आपको फर्स्ट कोड एंटर करना है, सेकंड वाले कोड में आपको सेकंड वाला कोड एंटर करना है। कोड एंटर करने के बाद अब भी आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। ये डॉट उसी लोकेशन पर चला जाएगा जिस लोकेशन के आपने कोड ये निकाले होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करना है, तो अभी इस लोकेशन पर यहाँ पे रेड पिन यहाँ पे आ जाएगी। इतना हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये लोकेशन अभी आपकी यहाँ पे लाइव लोकेशन यहाँ पे सेट हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पे गूगल मैप में भी दिखा देता हूँ कि हमारी कौन सी लोकेशन यहाँ पे शो कर रही है। तो मैं यहाँ पे गूगल मैप को ओपन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लोकेशन सेट किया वही लोकेशन हमारी यहाँ पे लाइव लोकेशन बन चुकी है। अब हम व्हाट्सएप पर जिसको भी अपनी लाइव लोकेशन देंगे उसको वही लोकेशन जाएगी जो हमने अभी लाइव लोकेशन यहाँ पे सेट किया। जब वो उस लोकेशन को ट्रैक करने जाएगा तो उसको वही लाइव लोकेशन शो होगी जो हमने सेट की थी। जब आपको अपनी रियल लोकेशन लेके आनी हो तो अब आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपकी यहाँ पे रियल लोकेशन आ जाएगी। जो भी आपने यहाँ पे फेक लाइव लोकेशन सेट की होगी वो यहाँ पे डिसेबल हो जाएगी। इसके बाद आपके यहाँ पे लाइव लोकेशन यहाँ पे सेट हो जाएगी। जो भी लोकेशन आपकी पहले थी, जिस भी लोकेशन पर अभी आप हो, वो लोकेशन अभी आपकी यहाँ पे हो जाएगी।